जय मसीह की। मेरा नाम प्रतीक है, मैं मुंबई से हूँ। सच में मैं धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। सच में मेरे अगुओं का धन्यवाद करता हूँ, खास करके मम्मा जी का धन्यवाद करता हूँ, अपोस्टल जी का धन्यवाद करता हूँ, पास्टर आशीष जी का धन्यवाद करता हूँ, पास्टर प्राची जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। सच में इस यूथ कैंप के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, इस योजना के लिए, परमेश्वर के मकसद को पूरा कैसे करना है, ये सारी चीज़ें परमेश्वर ने हमें इस यूथ कैंप में सिखाई, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। सच में हमारे अगुओं ने वचनों में कैसा चलना, प्रभु की योजनाओं में कैसा चलना, ये सारी चीज़ें हमें सिखाई और बहुत सारी एक्टिविटीज़ इतनी अच्छी हुई कि प्रभु ने हमारे आँखें खोली उस एक्टिविटीज़ के द्वारा। सच में मैं धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर के मकसद में कैसा चलना, ये सारी चीज़ें प्रभु के अगुओं ने हमें सिखाई, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। खास करके पास्टर आशीष जी का, मम्मा जी का, अपोस्टल जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि इस बहुत सारी एक्टिविटीज़ को उन्होंने हमारे सामने बताया वीडियो के द्वारा सारे बहुत सारी चीज़ों को हमारे दिखाया कि कैसे हमें जीवन जीना चाहिए। बहुत सारे वीडियो के द्वारा प्रकाशन हमें दिखाए कि हमें सोशल मीडिया से कैसे दूर रहने चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें वीडियो के माध्यम के द्वारा सिखाए। व्यभिचार से कैसे दूर रहने चाहिए, गलत चीज़ें से, बुरी संगति से कैसे दूर रहने चाहिए, ये सारी चीज़ें हमारे अगुओं ने सिखाई, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और प्रभु के मकसद में कैसे चलना चाहिए, पवित्रता में कैसे चलना चाहिए, अच्छे चाल चलन में कैसे चलना चाहिए, विश्वास में कैसा बढ़ना चाहिए, सही अंगीकार कैसे चलना चाहिए, ये सारी चीज़ें प्रभु के अगुओं ने हमें सिखाई। और सच में इस युद्ध का मैं आके, मेरा सेकेंड टाइम है इस युद्ध का मैं आके, मुझे बहुत आत्मा की भरपूरी मिली, बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने मिली पर्सनली करके कि प्रभु के मकसद में कैसा चलना है, उसकी योजना कैसे पूरी करनी है, इस अंतिम दिनों में हमें कैसा व्यवहार करना है, पवित्रता में हमें कैसा चलना है, ये सारी चीज़ें प्रभु के अगुओं ने हमें सिखाया, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और सच में मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये यूथ कैंप मीटिंग 5 डेज की ना हो और एक्सटेंड डेज बढ़ाए जाए, इसलिए मैं मेरे अगुओं से विनती करता हूँ कि 8 डेज और बढ़ाए जाए और विंटर सीजन में भी यूथ कैंप हो। ये सारी चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ, मेरे अगुओं को रिक्वेस्ट करता हूँ पूरे दिल से। सच में यहाँ से जाने का कभी मन नहीं करता यहाँ आने के बाद। हाँ, सच में मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे अगुओं का और इस मेडल के लिए भी धन्यवाद करता हूँ जो मुझे बाइबल क्विज में मिला था, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ इस मेडल के लिए भी। सबको जय मसीह की। जय मसीह की सबको। मेरा नाम सुमित है, मैं लहली से आया हूँ। मैं अपने आत्मीय मम्मा का धन्यवाद करता हूँ कि यूथ समर कैंप रखा हमारे लिए, हम यूथ के लिए। मैं धन्यवाद करता हूँ आत्मीय मम्मा को कि मैं यहाँ पर आके बहुत सी चीज़ें सीखा। मैं अपनी आत्मीय मम्मा के वचनों के द्वारा बहुत सी चीज़ें सीखा और बहुत सी एक्टिविटीज सीखी और बहुत सी चीज़ें सीखी। यहाँ पर मैं आकर, पहले मैं बहुत ज़्यादा फ़ोन चलाता था, अब बहुत कम फ़ोन चलाता। पहले मैं एक दिन रह नहीं पाया था फ़ोन के बिना, अब मैं यहाँ 5 दिन रह लिया, कुछ पता भी नहीं चला। मैंने यहाँ पर प्रार्थना करना सीखा, मैं यहाँ पर वर्शिप करना सीखा, बहुत सी ऐसी चीज़ें सीखा। पहले मैं गलत संगति में भी था, बहुत से कल मम्मा के द्वारा मेरा प्रार्थना हुआ और मैं कल से बहुत आज़ाद हो गया और बहुत अच्छा फील भी कर रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत आनंदित हूँ। मैं अपनी आत्मीय माँ का धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। सभी को प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें मौका दिया है अपनी गवाही को शेयर करने के लिए। तो अभी मम्मा का भी धन्यवाद करते हैं जो हम लोगों के लिए इतना प्लान किया, बहुत अच्छा चीज़ें प्लान किया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मम्मा के जीवन में प्रभु ने ऐसा हार्ट में डाला कि युद्ध के लिए इतना करे वो। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का कि मैंने पहले ही दर्शन देखा था कि मैं इधर आ रही हूँ, और लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि मैं आ पाऊँगी इधर। लेकिन मुझे एकदम पूरा ऐसा कोई भी होप नहीं था कि मैं इधर आ पाऊँगी यूथ कैंप पे। मैं हमेशा यूट्यूब पे देखती थी ना, 2 साल से हो रहा है तो इधर मैं भी देखती, तो मुझे भी लगता था कि मैं भी उधर जाऊँ, इतनी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, इतने सारे अच्छे अच्छे चीज़ों को लेना होता है, तो मेरा मन बहुत ज़्यादा करता था। और इस बार ऐसा हुआ कि मैं प्रभु से बहुत प्रेयर कर रही थी कि प्रभु मेरा जाने का मन है, लेकिन प्रभु की ओर से मुझे कोई गवाही नहीं मिल रही थी। ऐसा लग ही नहीं था कि प्रभु मुझे भेजना चाहते हैं या नहीं, लेकिन ऐसा हुआ कि 5 तारीख को, जैसा कि लास्ट रजिस्ट्रेशन था, उस दिन प्रभु ने बताया मुझे कि तू जा सकती है ऐसा। तो मैं अचानक से अपने पेरेंट्स से पूछा, तो पेरेंट्स का ऐसा कोई भी नहीं था कि वो मुझे आने देंगे, परमिशन देंगे। बट जब परमेश्वर ने बोला तो मेरे पेरेंट्स भी एक ही बार में मान गए कि ठीक है, तू जाना चाहती है तो जा। और ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि वो लोग ऐसे ही बोल रहे हैं। तो फिर क्या हुआ कि मैं बोली अपने पेरेंट्स से कि अगर आप सच में मुझे जाने देने के लिए बोलते हो तो मुझे फिर पैसे दे दो। फिर तो मेरे पेरेंट्स ने बोला कि ठीक है तू जा, तुझे जितना पैसे चाहिए मैं तुझे देता हूँ। और मैं ऐसे ही कह के हट गई वहाँ से। फिर मैं शाम को, जब हम लोग का ट्रेन था रात का, तो मैं शाम को प्रेयर कर रही थी, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे खुद कॉल करके पूछा कि कितने पैसे चाहिए और ले लेती और तू जा।
तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि बहुत डिवाइन तरीके से हेल्प किया मेरी। और ऐसा हुआ ना कि जब आते टाइम क्या हुआ कि ट्रेन हम लोगों की मिस हो गई थी, क्योंकि 10:30 का ट्रेन था और आया वो 11:30 का, लेकिन जो टिकट का नंबर था ट्रेन का नंबर चेंज था, दूसरा नंबर था, तो मुझे नहीं लगा कि ये ट्रेन है हम लोग। और हम लोग जस्ट स्टेशन में बैठे हुए थे और ट्रेन हम लोग के सामने खड़ा है, लेकिन हम लोग बैठे नहीं उसमें। और हम लोग की ट्रेन जैसे ही निकल गया वो ट्रेन, मुझे ऐसा फील हुआ कि मैंने अपने भाई से बोला कि भाई लग रहा है कि ट्रेन तो निकल गया, लेकिन ऐसा हुआ कि उस दिन का ट्रेन कोई ऐसा था नहीं कि रात में कोई ट्रेन है। और मैंने क्या किया, मैंने 8 रूम पे क्या कहते हैं ना, स्टेशन नंबर, गाड़ी नंबर 8 पे थी मैं, और मुझे उतना दूर पैदल फिर से जाना था काउंटर पे पूछने के लिए। तो मैं प्रेयर करते करते मेरी आँख में थोड़ा सा आंसू हो गया था और मैं प्रभु पे भरोसा करी कि प्रभु मुझे कैसे भी करके, लेकिन मुझे घर वापस नहीं जाना है, आप जैसे घर से निकाले हो मैं वहाँ पे डायरेक्ट पहुँचना चाहती हूँ, और प्रभु कोई भी ट्रेन बस इधर मिल जाए। तो बस ऐसे ही मैं प्रेयर करते गई टंग्स प्रेयर करते रही और मैं गई काउंटर पे, जो सर ने मुझे बताया था कि 1:00 की ट्रेन है, और सर ने मुझे पहले से दूर से ही देख कर बोल दिया कि अरे तेरी तो ट्रेन मिस हो गई, तू क्यों आ गई। फिर अच्छा ठीक है, फिर उन्होंने देखा तो बोले कि 1:30 का ट्रेन है, 1:00 का ट्रेन है। फिर मैं गई वहाँ पर, फिर ट्रेन आया, और फिर ऐसा हुआ कि जब हम लोग ट्रेन में लोकल में बैठे हुए थे, और ऐसा हुआ ना कि इतनी भीड़ थी कि हम लोग को जगह नहीं था बैठने का, लेकिन इतना अच्छा परमेश्वर ने इतना ज़्यादा डिवाइन तरीके से मदद किया कि 1 घंटे के अंदर ही अंदर हम तीनों लोगों को सीट मिल गया। पहली बात तो सीट मिला, हम लोग अच्छे से बैठ के आए, और अच्छे से बहुत अच्छे लोग भी हमारे साथ में थे। ऐसा लगा कि प्रभु खुद हमें लेके जा रहा है, और जैसा कि अपोस्टल जी मामा बोल रहे थे कि आप आए अपने खुद से नहीं हो, आपको लाया गया है। और सच में परमेश्वर ने ऐसा मदद किया, क्योंकि हम लोग का आने का एक भी प्लान नहीं था, एक दिन में ही प्लान बना, और एक दिन में हम लोगों ने तैयारी की, और तुरंत हम लोग घर वाले भी पेरेंट्स माने और फिर हम लोग चले। और यहाँ पर जब हम लोग आए तो अलग था यहाँ का एक्सपीरियंस, मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे समर कैंप में आई हूँ, और इतना अद्भुत है यहाँ का चीज़ें कि सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। मम्मा को मैं देख रही थी, उनका मम्मा को, अपोस्टल जी को, पास्टर जी को, ये लोग जरा सा भी 10 मिनट कहते हैं, आधा घंटा ये लोग बैठते नहीं हैं। अभी मैं देख रही थी कि अभी हंगर फॉर गॉड ख़त्म हुआ ही कि अपोस्टल जी फिर हम लोग के बीच में आ गए, फिर उतना देर के लिए उनको वचन देना था, फिर सारा चीज़ों को करना था। तो सच में मैं इधर देख के इतना मुझे कहते ना इंस्पिरेशन मिल रहा है कि प्रभु सच में बहुत मदद कर रहा है इन लोगों को। और मम्मा की, जब मम्मा ने हम लोगों को वचन सुनाया, हम लोगों को अपनी लाइफ को कैसे स्पेंड करना है, कैसे लोगों के साथ रहना है, हमें किधर जाना है, कैसे रहना है, आगे क्या करना है, फ्यूचर में क्या करना है, हमें किस लिए प्रभु ने हमें क्या पर्पज़ है इस लाइफ का, और ये हमें यहाँ पे आके पता चला बहुत सारी चीज़ें। यहाँ की मैं दीनता को देख रही थी, भैया लोग जैसे सूट कर रहे हैं दिन रात, वो लोग मैं देख रही हूँ कि वो लोग लगातार यहाँ तक कि हम लोग खाना पीना खा रहे उस टाइम भी उन लोगों को कैमरा चलाना। मैं खुद बोल रही थी अपनी फ्रेंड को कि क्या ये लोगों का हाथ नहीं दुखता होगा, ये लोग लगातार कंटिन्यू ऐसे ही हाथ लेके कैमरा को लिए रह लिए। और फिर मैं देख रही थी कि जब सारे लोग खाना खा के जा रहे तो फिर वो लोग लास्ट में खाना खा रहे हैं बहुत, और इतना जल्दी खा रहे हैं। हम लोग तो इन्जॉयमेंट के साथ खा रहे थे इतनी सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ पे भैया लोग को मैंने देखा और दीदी लोग को भी यहाँ पे, जैसा कि सच में वॉलंटियर इतनी ज़्यादा मैंने यहाँ पे देखा। यहाँ पे दीनता, प्यार को पहली बात सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, यहाँ पे वो जो लव है, हम लोग कभी, मैं अपने घर में बहुत रेयर केस होता है कि हम लोग साथ में खाना खाते हैं, तो यहाँ पे इतने सारे फ्रेंड्स लोग बने, इतने सारे लोग हम लोग एक जैसे बातचीत कर रहे थे, बहुत खूबसूरत ये मुझे लगा, हार्ट टचिंग लगा। और फिर फर्स्ट टाइम, और ये चीज़ें और भी अद्भुत था कि यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं। यहाँ पे ऐसा मैं पूछ रही थी कि आप संडे को हमेशा आते हो, तो कुछ लोगों ने बताया कि हाँ मैं आती हूँ। मैं बोली आप लोग बहुत लकी है, क्योंकि मैं जब ऑनलाइन देखती हूँ और जब लोग आत्मा में भरते तो हम लोग जब ऑनलाइन रहते तो वो चीज़ें तो होती हैं, लेकिन जो होता है ना डिस्टर्बेंस वाली चीज़ें, हम लोग अगर रूम, मैं, मेरी लाइफ का है कि जब मैं ऑनलाइन मीटिंग देखती हूँ तो रूम का दरवाज़ा कोई खोल के आ गया, तो ये आ गया, वो आ गया, तो क्या होता है जब मैं आत्मा में भरती रहती हूँ फिर भी उस टाइम कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन आता है, तो मैं देखती हूँ प्रभु मुझे भी, मैं भी वहीं पे इधर रहती। और लेकिन सच में बहुत अच्छा लगा। और फिर मैं कभी भी
सबसे चीज़ें और भी चीज़ें हैं। आज तक मैंने 7-8 साल से मैं थी प्रभु में, लेकिन मैं कभी भी स्वर्ग में सिंहासन नहीं देखा। यहाँ पे आके मुझे 2 टाइम सिंहासन दिखा, देखने को मिला, और मैं जब गई देखी तो वो अद्भुत था नज़ारा वहाँ पे। और यहाँ के बच्चे इतने छोटे छोटे बच्चे मैं देख रही हूँ आत्मा में भर रहे, और मैं प्रभु से बोलती प्रभु मुझे भी जाना है। जैसे यहाँ के लोग, मैं ऑनलाइन मीटिंग देखती थी ना, तो सब खुले आँखों से दर्शन देख रहे थे, खुले आँखों से रैलम में जा रहे थे, और मैं प्रभु से बोलते थे प्रभु मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है। और जिस तरीके से मम्मा ने जब प्रेयर किया तो वो अद्भुत था मेरे जीवन में। मैं वेदी पर जिस तरीके से मैं गई, आउट ऑफ कंट्रोल था वो आत्मा, एक ऐसा लगा करेंट जैसा लगा जब मैं मम्मा मेरे सर पे हाथ रखे। और फिर सारी चीज़ों को मैं देख रही थी, खाने पीने के लिए बहुत सारी चीज़ें तो मुझे पसंद नहीं था यहाँ पे, लेकिन जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे खाने को मिला सही रीति से। और जैसे हम लोग सो रहे हैं, फिर क्या होता है कि हम लोग भी आराम चाहिए होता है। एक चीज़ और सीखने को मिली कि जब मैं थोड़ा सा मैं भी जाती हूँ किसी घर प्रार्थना करवाने के लिए, वहाँ पर लोग आते हैं, तो जब हम लोग प्रेयर करके आते हैं ना, तो ऐसा लगता है अभी बॉडी को आराम चाहिए, बॉडी को आराम चाहिए। लेकिन जब मैं मम्मा को देख रही थी 2-2.5 घंटे वो बस कंटिन्यू वचन देते जा रहे, वचन देते जा रहे, देते जा रहे। यहाँ तक कि हम लोग जब देते हैं वचन, देते हैं या समझाते हैं किसी को, तो क्या होता है कि पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए, प्यास लगे। लेकिन जब मम्मा वचन दे रहे थे, अपोस्टल जी वचन दे रहे थे, जरा सभी ना पानी पी रहे ना कुछ, बस कंटिन्यू करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे। तो वो भी मुझे बहुत, जब मैं मम्मा दे रहे थे तो समझा रहे थे ना, तो मुझे मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे कि सच में कितना अच्छा ये, हमें ये बहुत सीखने को मिलता है कि हम लाइफ में अपने बॉडी को किस तरीके से रखना है। इसको पहली बात, हम इसे जितना भी आराम देते ना उतना ही आराम मांगता है। हम लोग टाइम से खाना होता है, टाइम से सोना होता है, ऐसा होता है कि थोड़ा सा काम कर लो, चलो अभी थोड़ा आराम कर लो, चलो थोड़ा ये आराम कर लो, वो आराम कर लो। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, यहाँ मुझे ये सीखने को मिला कि आप कंटिन्यू काम करते रहो, करते रहो, प्रभु आपको बल देगा, आपको ताकत देगा। मम्मा की लाइफ का प्रभु का धन्यवाद करो, प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। ये सारी चीज़ें मुझे बहुत सीखने को मिला, हार्ट टचिंग लगा। यहाँ के जैसे छोटे छोटे बच्चे भी आत्मा में भर रहे थे, मुझे ये बहुत हार्ट टचिंग लगा। और पहली बात, नम्रता और प्रेम यहाँ पे बहुत दीनता मिला। तो धन्यवाद करते हैं खुदा का कि समर कैंप में आने के लिए, जो मैं बचपन में बहुत सब पहले ही खेली हुई थी, ऐसा गेम हम लोग खेले हुए थे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद बहुत सालों के बाद मुझे मौका मिला, तो इसके लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु का। समर कैंप का बहुत अच्छे से और बहुत सारा दर्शन भी मैंने देखा, तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं मम्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, और मैं पास्टर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, और पास्टर जी का भी। मैं समर कैंप में आई और मुझे समर कैंप में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर आकर। जो खुशी मुझे संसारिक जीवन में नहीं मिली, वो मुझे मेरे आत्मिक जीवन में मिली। और मैं मम्मा को बहुत बहुत धन्यवाद करूँ कि उन्होंने हमारे बारे में इतना सोचा, उन्होंने यूथ समर कैंप किया, परमेश्वर के वचन ने मुझसे बात की जिसके द्वारा मैं आत्मा में भरी, और मैंने बहुत बहुत पश्चाताप किया अपने पापों का जो मैंने गलत किया था, झूठ बोला था, और जैसे कि गलत संगति में थी मैं, गलत फ्रेंड्स के साथ थी। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने उनसे छुटकारा पाया, और मैं उन्हें छोड़ना चाहती थी पर छोड़ नहीं पाती थी, पर जब मम्मा के बच्चे ने मुझसे बात की तो मैंने उन सबसे छुटकारा पाया, और मम्मा ने मुझे आगे बुलाया और मेरे लिए प्रेयर की। मैं मम्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मैंने यहाँ पे एक और चीज़ सीखी कि हमें अपने समय को किस तरह और किस जगह पर यूज़ करना चाहिए, किस समय पर यूज़ करना चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखी, जैसे कि गेम्स और बहुत सारी एक्टिविटीज़ सीखी, और हमने यहाँ पे बहुत टेस्टी टेस्टी खाना खाया, और हर एक चीज़ टाइम टाइम पर हमें मिलती रही, और हम हर एक सेक्शन को अटेंड कर रहे थे और प्रेयर में बने रहे। और मैं कभी प्रेयर नहीं कर पाती थी इतनी देर, और यहाँ पर आई जब मैं, तो मैं घंटों घंटों प्रेयर करती थी और मेरा प्रेयर से उठने का मन नहीं करता था। मेरे शरीर में, बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता था, उसके बावजूद मैं प्रेयर से नहीं उठना चाहती थी, और घर पर मैं कभी भी प्रेयर नहीं कर पाती थी। मैं 5 मिनट भी घर पर प्रेयर नहीं कर पाती थी, और जब मैं यहाँ पर आई तो मैं यहाँ पर घंटों घंटों प्रेयर करती थी, चाहे मेरी बॉडी में कितना भी पेन हो रहा हो, मैं फिर भी प्रेयर करना पसंद करती थी। और मैं मम्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने हमारे लिए प्रेयर की, और मैं आत्मा से भरी, और मैंने उन चीज़ों से छुटकारा पाया जो मैं अपनी लाइफ में भी नहीं चाहती थी, और मैं आत्मिक जीवन जीना चाहती थी। तो मैं मम्मा का और पूरी कलीसिया का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, और मैं परमेश्वर का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी गवाही से लाखों लोगों की टेस्टिमनीज बने, लाखों लोगों की गवाहियाँ बने, और जितने भी लोग मेरी गवाही को सुन रहे हैं, मैं उन सबसे प्रे करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग भी समर कैंप में आएँ और अपनी लाइफ को चेंज करें। थैंक यू। जय मसीह की।
सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आरती है और मैं यूपी से आई हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ अपनी आत्मिक परिवार का, अपनी आत्मिक माँ का, कि मेरे परमेश्वर ने आत्मिक माँ के मन में बोल डाला कि यूथ के लिए वो कुछ करें और उन्हें समर कैंप रखा। और सच में परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि हम आएँ, और यहाँ आने के बाद में सच में परमेश्वर ने हमारी लाइफ को चेंज किया। बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ सीखी, और सच में खासकर हमने समय का उपयोग कैसे करना है। सच में परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि हम यहाँ एक चीज़ सीखी कि हमें टाइम का कैसे उपयोग करना है और हमें आत्मा में कैसे बढ़ना है। और सच में परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ, जब मम्मा जी बुला रहे थे कि खासकर वो लोग आए जिनकी ज़िंदगी में कुछ गलत संगति हैं, तो हम लोग आगे आए थे और मम्मा जी ने हमारे लिए ले हैंड प्रार्थना की थी। सच में वो ले हैंड प्रार्थना मैंने रिसीव की थी और सच में एक छुटकारे को मैंने पाया। और सच में परमेश्वर की दासी ने जो हमें सिखाया है कि हमें कैसे जीना है पवित्रताई में, सच में धन्यवाद करती हूँ अपनी आत्मिक माँ का कि उन्होंने बताया कि हमें पवित्रताई में कैसे जीना है। जब मम्मा प्रार्थना कर रहे कि आप स्वर्ग में एंटर हो रहे हो, तो मैंने एक सफ़ेद बादल को देखा था और स्वर्ग की सीढ़ियाँ देखी थी। और मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का, मैंने बहुत शांति को महसूस किया था और एक अलग आनंद था मेरे अंदर। सच में परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ इस गवाही के लिए और धन्यवाद करती हूँ अपनी आत्मा माँ के लिए। सभी को जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मेरा नाम पूजा है, मैं जीरापुर से हूँ, और मैं परमेश्वर की धन्यवाद करती हूँ इस कैंप के लिए जो आत्मिक फैमिली के मन में डाला। और मुझे यहाँ आके बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत अच्छा लगा। जैसे हम जैसे घर पे सुबह उठ नहीं पाते हैं, जैसे हम 8-9 बजे उठते हैं, यहाँ पे हम 5-6 बजे उठाया जाता है ना, एक टाइम टेबल हमें पता चल गया। और यहाँ पे आके बहुत चीज़ें सीखी, जैसे एक्टिविटी हुई उस चीज़ के लिए भी, जैसे माइंड एक फ़ोन है सबसे बड़ी बात। एक जैसे हम घर पर होते जैसे फ्री टाइम होते हैं ना, तो उस फ़ोन को हम देखते रहते हैं 5 मिनट है ना, वो चीज़ अब यहाँ पर मिल नहीं रही। जैसे हम जब फ्री टाइम जब जैसे हम फ्री टाइम हो जैसे एक्टिवेट हमने सीखा है ना वो चीज़, जब जैसे हम अब मुझे ये सीखने को मिला, जैसे हम फ्री होते हैं चाहे एक बाइबल पढ़े या कोई, जैसे फ़ोन लिमिट में यूज़ करना है, जो काम की चीज़ हो उस चीज़ को यूज़ करना है, ज़्यादा नहीं यूज़ करना है। बहुत चीज़ें सीखने को मिली। और जैसे खाने की टाइम टेबल की, जैसे हमें यहाँ टाइम से खाना, टाइम से नाश्ता, टाइम से लंच, टाइम से डिनर किया जाता है, हर चीज़ टाइम टाइम पे। मैं इस चीज़ के लिए परमेश्वर मम्मा को भी धन्यवाद कर